स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। टॉपिक पे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली फिज़िकल एजुकेशन होती क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फिज़िकल एजुकेशन है क्या। अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की जिन्होंने डिफ़ाइन किया है फिज़िकल एजुकेशन को, तो जो एक्सपर्ट हैं जेबी नैश, उन्होंने कहा है इट इज़ द बिग मसल्स एक्टिविटी एंड दे आर रिलेटेड रिस्पॉन्स। एक और एक्सपर्ट हुए हैं आर कैसिडी, उन्होंने कहा है इट इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटी। उनका कहने का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वो किस वजह से होते हैं जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ या मोटर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, फिजिकल एजुकेशन सोसाइटी को क्या दे रहा है, क्या सर्व कर रहा है। जाहिर सी बात है आजकल की लाइफ काफ़ी हैक्टिक हो चुकी है, काफ़ी लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो चुका है, तो फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए स्टूडेंट्स को हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। हम स्टूडेंट्स को ऐसा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बारे में जाने, अपनी हेल्थ के बारे में जाने, और ये स्टूडेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि वो सोसाइटी को भी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करें और हेल्थ के बारे में बताएं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला पॉइंट्स है बेनिफिट्स टू बॉडी एंड माइंड, या कह सकते हैं बेनिफिट टू माइंड एंड बॉडी। तो अगर हम बात करें माइंड एंड बॉडी की, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो क्लासरूम टीचिंग्स होती हैं वो काफ़ी हैक्टिक रहती हैं, कभी कभी गैप नहीं मिल पाता है जिस वजह से बच्चों में बोर्डम आ जाता है। लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ा सा खेलने का वक्त दे दें या फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम उनको वक्त दे दें, तो वो खाली खेल के नाम से ही रिफ्रेश हो जाते हैं, उनमें एक नई एनर्जी आ जाती है। और जब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से हमारे लिए ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। वो हार्मोन्स आपके, मैं नाम बता देता हूँ, वो हार्मोन्स होते हैं आपके एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन। ये आपके बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आप प्लेजर महसूस करते हैं, आपकी टेंशन रिमूव हो जाती है और आपका माइंड और बॉडी बहुत काम हो जाती है। इससे ये फ़ायदा है। हम अगर नेक्स्ट फ़ायदा देखें, नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखें या बेनिफिट देखें, तो नेक्स्ट है आपकी फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव होती है। फिजिकल फिटनेस से मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, कार्डियो वेस्कुलर एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब फिज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से इम्प्रूव होती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारी फिज़िकल एजुकेशन की वजह से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ स्किल परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसमें अगर मास्टरी आ जाती है, या हम किसी खेल में या किसी भी एकेडमिक्स में कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और हमारे अंदर कुछ और करने की चाह पैदा होती है, हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है ग्रोइंग फ्यूचर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जाहिर सी बात है हर बच्चे को खेलने का शौक होता है। उस शौक की वजह से कभी कभी ये होता है बच्चा उसको अपना प्रोफेशन बना देता है, और प्रोफेशन बनाने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का और उसमें अर्निंग करने का, और उसमें उसके ज़रिए वो फेम भी पा सकता है। आजकल आपने देखा होगा आप लोगों ने कि आईपीएल इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है, एग्जांपल है।
लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो गेम खेलते हैं और उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं जो उनका हर वक्त वेलकम कर रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन से वजह से ये फ़ायदा है। एक फ़ायदा है स्किल डेवलपमेंट। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी गेम बिना स्किल के पॉसिबल नहीं है, और अगर हम स्किल को टेक्निक के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूवमेंट कर रहे हैं बार बार, तो हमारी स्किल जो है वो रिफाइन हो जाती है, और जब हमारी स्किल रिफाइन होगी तो हमारी परफॉर्मेंस भी अपने आप एनहांस करेंगी। तो फिजिकल एजुकेशन से ये फ़ायदा और भी है। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ऐसा मेरा मानना है कि खासकर कुछ कोर्सेज हैं या कुछ डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पर रूल्स बहुत ही फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका एनसीसी है, फिजिकल एजुकेशन कोर्स है, आर्मी है, पुलिस में है, जहाँ रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, इसी तरह फिजिकल एजुकेशन में भी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, आपको कोच का कहना मानना पड़ता है, आपको टाइमली आना पड़ता है, आपको टाइमली ग्राउंड पर रिपोर्ट करना पड़ता होगा। आपने एक फिल्म देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान कोच दिखाए गए हैं, और उसमें यह भी दिखाया गया है कि अगर कोई भी प्लेयर टाइम से नहीं आ रहा है तो उसको या तो पनिशमेंट मिलता है या उसको अलाउ नहीं किया जाता है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन में एक डिसिप्लिन की भावना जागती है जिससे बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट एडवांटेज है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। जाहिर सी बात है जब आप डिसिप्लिन हो गए हैं तो आपके अंदर कैरेक्टर की फॉर्मेशन होगी, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आप लोगों की इज्जत करेंगे, लोगों से मिलजुल कर बात करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको कॉपरेट करेंगे। फिर नेक्स्ट एडवांटेज इसका है एस्केप फ्रॉम रूटीन। आजकल किसी की भी लाइफ बहुत हैक्टिक हो गई है, मोनोटोनस हो गई है, वो एक ही तरह की एक्टिविटीज़ बार बार करते हैं जिससे उनमें बोर्डम आ जाता है। जब बोर्डम आ जाता है तो इस बोर्डम को दूर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन कह लीजिए या फिजिकल एक्टिविटीज़ कह लीजिए बहुत ही अच्छी हैं। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो वो आपका बोर्डम उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए ही हमारी बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन हार्मोन्स को बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं हैप्पी हार्मोन, मतलब वो हमारे बॉडी को हैप्पी कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है स्ट्रेंथन पीयर रिलेशनशिप। जैसे ही जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इसी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका कल्चर जानते हैं, उनका मज़हब जानते हैं, और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। एक चीज़ और रह गई जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका एडवांटेज स्ट्रेस रिडक्शन। आजकल काम का इतना बर्डन हो गया है लोगों के ऊपर कि वो उनको स्ट्रेस हो गया है, वो परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं तो उनको बहुत हद तक किसी भी तरह का स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, आपको फिर बताएंगे।